हेलो एवरी वन पूजा ये फ्रॉम ईजी वास्तु एंड आप सभी को हाय हेलो वेलकम जुगनी की भी तरफ से सो येस अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एंड जानेंगे हम इस वीक कैसा रहेगा आपका वीकली हॉरोस्कोप कार्ड्स की मदद से एंड अगर आप डेली टैरो रीडिंग या कोई और अपडेट्स प्रोडक्ट्स के बारे में um, वास्तु टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो ज़रूर फॉलो कर लें ऑन इंस्टाग्राम और सो तो मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स अवेलेबल हैं वहाँ से फॉलो का फॉलोअप कर सकते हैं सो तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन क्या कहते हैं कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी सॉरी सो तो लेट्स गेट स्टार्ट एरीज तो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड आया है तो टेम्परेंस का कार्ड है कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ये वीक आपने चीज़ों को बैलेंस कर कर चलना है जितना हो सके अपने अंदर भी आप पेशेंस डेवलप करें एंड रेसलेस ना हो किसी भी चीज़ों को लेकर चीज़ों को मॉड्रेशन में करें ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लव लाइफ पर फोकस कर रहे हो तो आपकी करियर लाइफ डिस्टर्ब हो रही है बहुत ज़्यादा करियर पर ध्यान दे रहे हो तो आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस कर कर चलें ये चीज़ सजेस्टेड है इसी के साथ साथ में यहाँ पर को कहा जा रहा है कि ऑफ़ कोर्स आपने बैलेंस भी बनाना है फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ एंड एडजस्ट भी करना पड़ सकता है मे बी इन रिलेशनशिप्स और इन वर्क लाइफ सो समवेयर इस टाइप के सजेशन है जहाँ पर हम कहते हैं ना कि चलो हम ब्लेंड हो जाए जो भी लाइफ की सिचुएशन से हम उसी में एडजस्ट हो जाए हम अपना यू you नो know, दिन समय इस टाइम का समय निकाल लें सो so, ये वाली टाइप्स के कुछ आपके लिए वाइब दिख रहे हैं अदरवाइज इस वीक में आपका विस्टम अच्छा रहेगा आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहेंगी एंड इन जनरल आप पॉजिटिव एंड अच्छा फील करते हुए ज़रूर दिख रहे हैं एंड एक यू नो लाइफ में आपको लगेगा कि ठीक है भाई चलो एक लाइफ का फ्लो बना हुआ है लाइफ हमारी चल रही है इस टाइप की एनर्जीज भी आप फील करोगे आगे भी देखो जो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है वच टॉक्स अबाउट यू नो सरेंडर टू वॉट इट इज़ ये कार्ड भी आपको कह रहा है यू you नो know, इस वीक में कोशिश करो कि फ्लो विद वॉट इट इज़ यू नो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इट इसका मतलब है कि जिंदगी के जैसे भी भाव आपको लेकर जा रहे हैं कोशिश करो कि इस वीक में उसको एक्सेप्ट करो एज़ इट इज़ सरेंडर कर दो ऊपर वाले पे जिस तरीके से ना ये लड़की इस तरीके की पोजीशन में जहाँ पे वो यूनिवर्स पे छोड़ रही है कि भई अब तेरी मर्जी आगे तूने क्या करना है मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुकी हूँ एंड यू नो समेयर ये वाली फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड यू you नो know, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है ज़िंदगी में सरेंडर करना बिकॉज यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मे बी आप यू you नो know, टैरो कार्ड भी एंड गाइडेंस कार्ड दोनों कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप यू नो सरेंडर कर दो चीज़ों को चाहे आपकी लव लाइफ़ है करियर लाइफ है जो भी है कोशिश अपनी पूरी करो उसके बाद में सरेंडर कर दो ऊपर वाले पे कि भाई जैसा जैसा हो रहा है मुझे मंजूर है जो होगा मेरे अच्छे के लिए होगा ये कहकर आप अपनी कोशिश करो एंड देन सरेंडर दी आउटकम आउटकम के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो इस वीक में एंड जितना हो सके रिलैक्स काम डाउन यूनिवर्स के अलाइनमेंट में रहो बी ग्रेटफुल एक्सेप्ट वॉट इट इज़ ये टाइप का एटीट्यूड आपके लिए अच्छा माना जाएगा बाकी देखो ये वीक में बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं है नेगेटिविटी नहीं है न्यूट्रल वीक है अच्छा वीक है कहते ना भाई सबको जय जय राम करके चलते जाओ दैट्स इट सो ये वाली कुछ मुझे वाइब आपके लिए दिख रही है फॉर दिस वीक एरीज़ अदरवाइज द वीक इज़ गुड अपॉर्चुनिटीज भी आती हुई दिख रही हैं एंड यू नो इन जनरल आपके अंदर पैशन भी रहेगा काम को लेकर चीज़ों को लेकर एंड शांत रहोगे मेरे को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस आप वैसे भी नहीं दिख रहे हो टेम्परेंस का कार्ड है जो भी सिचुएशन आएगी जैसी भी आएगी भाई संभाल लोगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है सो so, एरीज़ ये कुछ आपकी ऐसी वाइब थी इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो डू लेट मिन उनकी कमेंट बॉक्स भी लो से so येस yes. चलते अगली राशि की ओर जो है टॉरस टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड आया द तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं। टॉरस राशि वाले कहीं ना कहीं इस वीक में कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज हैं भाई समझ नहीं पा रहे हैं लाइफ में क्या करें हम ये रास्ता चुने या वो रास्ता चुने नहीं समझ आ रहा है कुछ ना कुछ चीज़ों की क्लैरिटी इन्हें चाहिए जो इन्हें क्लैरिटी अभी इतनी जल्दी नहीं मिल रही है कोई ना कोई सोच विचार में डूबे हुए हैं मे भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नहीं समझ पा रहे हैं कोई जॉब चेंज करना चाहते हो तो पता नहीं चल रहा भाई करंट जॉब में रहें या जॉब चेंज करें एंड यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ये वीक कैसा है कि भाई थोड़ा सा पेशेंस रखो सही टाइम पर सही डिसीजन ले लोगे एंड ये जो भी आप फैसला लोगे सोच समझ कर लेना चाहे रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन है चाहे करियर लाइफ में कन्फ्यूजन है बट सेवन नंबर का कार्ड है सेवन नंबर का कार्ड हमेशा कहता है ना आपका माइंड बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ करेगा अगर आप एक ऑप्शन चूज भी करोगे तो फिर दूसरा ऑप्शन आपके पीछे पीछे भागा आएगा भाई ये ले लें ये ले लें ऐसा मत कर वैसा मत कर चलो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर आपको लो या एक चीज डिसाइड करता हूँ फिर कन्फ्यूज हो जाता लाइक वट्स हैपनिंग सो so, इस वजह से टेक इट ईजी वो राइट टाइम पर वो एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी और आप सही डिसीजन ले लो क्योंकि एंड यूल फील लाइक फाइनली मैंने सही डिसीजन ले लिया एंड आम ओके विद डेट एंड आम फाइन सो यहाँ पर थोड़ा सा यू नो किसी की एडवाइस भी ले सकते हो गाइडेंस भी ले सकते हो चलेगा क्योंकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही हैं बट अपॉर्चुनिटी ले कि नहीं ले ये नहीं समझ आ रहा है सो उन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कई बार ऐसा भी होता है अरेंज मैरिज में प्रपोजल आ रहे होते हैं ना आपको समझ नहीं आता है भाई कौन सा प्रपोजल हम चूज़ करें हमें नहीं पता चल पा रहा यू नो समेयर इस टाइप की है देख रही है आगे भी देखो कहीं ना कहीं ना आपके मन में एक और चीज़ कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं आज पर गाइडेंस कार्ड सरेंडर टू फियर कोई ना कोई नो आपके मन में ऐसा है कि भाई अगर मैंने अपने आप को एक्सपांड किया या मैंने जॉब चेंज की या मैंने रास्ता चुना या मैंने अपनी लाइफ में जो चेंजेस सोच रहा हूँ अगर वो मैंने सोचे या कर लिए तो कहीं मेरे लिए रिस्क तो नहीं हो जाएगा कहीं मेरी लाइफ डिफ़िकल्ट तो नहीं हो जाएगी सो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि फ़ियर को हटा दो अगर आपका दिल कह रहा है कुछ नया करने को तो ज़रूर बिग स्टेप लो एक्सपांड योर सेल्फ गो एंड एंड फ़ियर को निकाल दो कि भैया आगे क्या होगा कैसे होगा नहीं समझ आ पा रहा है यू नो एंड जो भी आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम ही चल रही है सो फोकस ऑन दिस सोल्यूशन एंड सेलिब्रेट एवरी बेबी स्टेप इसका मतलब है कि ज़िंदगी में आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसमें सोल्यूशन पे फोकस करो एंड हर अपनी छोटी प्रोग्रेस के लिए खुद के ऊपर प्राउड फील करो एंड ये हम हमेशा करना भूल जाते हैं एज ह्यूमन्स हम हमेशा अपने आप को क्रिटिसाइज़ क्रिटिसाइज़ क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं कि भाई कब होगा ये कब होगा वो कब होगा बट अगैन हम अपनी जर्नी में हमेशा हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं कुछ ना कुछ नया इम्प्रूव कर रहे हैं सो बी प्राउड ऑन दैट ओके सो टॉरस कहीं ना कहीं यहाँ पर ना आपको दोनों कार्ड में सजेस्ट किया जा रहा है एक तो डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है इस वीक में एंड ऑल्सो फियर को ओवरकम करना है वेदर इट्स यू नो कहीं आप कई बार आपके मन का ही कोई चीज़ होती है ब्लॉक होता है जो भी है अपने आप को यू नो रिस्क लेने से रोको मत गो एंड टेक अ रिस्क इन योर बिजनेस लव लाइफ किसी भी रूप में अपने आप को ये मत सोचो यू नो सोच सोच के पहले ही मत रुक जाओ कि व्हाट इफ दिस हैपन्स व्हाट इफ़ दैट है वॉट इफ दिस हैपन्स ये हो गया तो वो हो गया तो इट डजेंट मैटर जस्ट गो आड टेक रिस्क लाइफ है ही रिस्क के बारे में सो यू नो ये कुछ एनर्जीज देख रही है टॉरस आई होप इससे कनेक्ट हो पाए कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी लगी रेटिंग आई वुड लव टू नो सो चलते हैं अगली राशि की ओर जो है जर्मिनी जेमिनी राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा वीक है जेमिनी राशि वालों के लिए इन जनरल ये एक अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है काम बनते हुए दिख रहे हैं फुलफिलमेंट उन्हें फील होगी अचीवमेंट है एक अलग टाइप का इनको प्रमोशन के लिए देख रहे हो तो वो भी आ सकता है और इनके कोई ना कोई गोल्स एंड टास्क ये कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं जिससे इनको ये लगेगा कि यार चलो हमने जो भी अपनी लाइफ में सोचा था वो हमने अचीव किया है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप कम्प्लीट करते हुए दिख रहे हो सो इस टाइप की कुछ एनर्जीज है विच इज़ गुड आई एम हैप्पी फॉर यू जेमनीस कार्ड्स अच्छे हैं पॉजिटिव हैं एंड देखो यहाँ पर ट्रैवल के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रैवल करोगे लॉन्ग टर्म ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हो कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा नो प्रॉब्लम विद दैट फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो विद फ्रेंड्स वगैरह के साथ में इट्स अ गुड वाइफ मूड भी अच्छा रहेगा इनो चिल आउट आप जोन में रह सकते हैं एंड देखो यहाँ पर एक और चीज़ है लव लाइफ एंड रिलेशनशिप में आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इनो दूसरे पार्टनर के ऊपर या कहते ना कि एक तो हो गया आपका लाइफ पार्टनर हो गया आपका यू नो कोई लविंग पार्टनर हो गया या इन जनरल आपके फ्रेंड सर्कल में हो गया कॉरपोरेट सेक्टर में हो गया बहुत ज़्यादा यू नो इस वक्त में दूसरों को हम कहते हैं ना कि जेमिनीज़ के साथ ही बहुत बार होता है बिकॉज जेमिनी एक ऐसा साइन है उनके मन दिमाग में जो आता है वो सीधा कह देते हैं बट इस वीक में आपको कहा जा रहा है कि कहीं पर भी अगर आपसे एडवाइस नहीं मांगेगी यू सब एडवाइस मत दो एंड ऑल्सो दूसरे लोगों को ज़्यादा फिक्स करने की कोशिश मत करो सबकी अपनी लाइफ है सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं लोग अपने आप से ही सही होते हैं ठीक होते हैं आप अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी मत डालो कि ऐसे करो वैसे करो दूसरों को कंट्रोल मत करना इस वीक में जितना हो सके अपने ऊपर फोकस करो अगर आपके हिसाब से लोग आपकी कंपैटिबिलिटी हो रही है तो ठीक है अदरवाइज़ नो बहुत ज़्यादा एडवाइस ये देना आपके लिए सही नहीं होगा इस वीक में बिकॉज लोग आपको आपके ऊपर ये नो रिवर्ट बैक करेंगे कि नो कि हमने तो आपको पूछा नहीं था हमें आपकी गाइडेंस नहीं चाहिए थी या आप गलत बोल रहे हो सो नो वो कंपैटिबिलिटी नहीं हो पाएगी सो so, इस वीक में उस टाइप की कम्युनिकेशन पे ध्यान देना दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अदरवाइज आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी जब मैनीस इस वीक में बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं जो लोग जॉब एंड बिजनेस ग्रोथ के लिए देख रहे हैं ये वीक बहुत अच्छा है जो लोग कोई एजुकेशन पार करना चाहते हैं कोई एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही शुभ और अच्छा इंडिकेशंस लाता हुआ दिख रहा है ये वीक्स इट्स अ वेरी गुड वीक कैन गो अहेड विथ एनी प्रोजेक्ट जो भी आपके काम और प्रोजेक्ट है आगे बढ़ सकते हो अच्छा वीक दिख रहा है ना ये कुछ आपके लिए एनर्जीज थी जेमनीस बताना कैसी लगी ये रीडिंग और अगर हम आगे हम चलते हैं हमारे कैंसर राशि की ओर से कैंसर राशि बहुत अच्छी रीडिंग है बहुत अच्छी नाइट ऑफ वॉन्ट्स के कार्ड आए हैं कैंसर्स गो अड ग्रीन सिग्नल है भाई अपना पैशन ड्रीम फॉलो करो आगे बढ़ो ट्रैवल एनर्जी दिख रही है एंड ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर उन्हें एक बोल्ड एक्शन लेने की हिम्मत आएगी कुछ ना कुछ एक्साइटिंग हाई एनर्जी होता हुआ दिख रहा है इस वीक में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे ब्रेव फील करोगे एडवेंचरस फील कर सकते हो तो कैंसर्स इट्स अ वेरी गुड एनर्जी फॉर दिस वीक आपके लिए काफ़ी अच्छी वाइब्स दिख रही हैं एंड मैं कहूँगी जो भी आपका दिल आपको कह रहा है यू you नो know, कोई भी चीज़ आपको एक्साइट कर रही है हैप्पीनेस दे रही है खुशी दे रही है आगे बढ़ो नो प्रॉब्लम इट्स ऑल गुड एंड उसके बाद में मैं क्या ही कहूँ आगे आपके लिए कार्ड आ गए सरेंडर टू सक्सेस के कार्ड्स you know, है विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड यू नो यू आर रेडी टू एक्सपीरियंस क्या बात है सो यू नो मैं कहूँगी अपने आप को ब्लॉक मत करो अपने आपको कोई अंडर एस्टिमेट मत करो कि भाई यार मैं सक्सेस नहीं डिजर्व करता कभी आपका कुछ भी पॉजिटिव होने वाला है सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अपने आप को कैसे रहो दैट आई एम द बेस्ट आई डिजर्व दिस आई वांट दिस एंड आई विल गेट दिस सो कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोलते रहो अपना कॉन्फिडेंस बना कर रखो कई बार यूनिवर्स आपको सक्सेस नहीं दे पाता है क्योंकि आप ही खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो सो so अपने ऊपर विश्वास रखो अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो अपने टैलेंट पर विश्वास रखो कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हो कोई भी नई चीज़ करने जा रहे हो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट ठीक है कंसर्स बिकॉज यूनिवर्स कार्ड्स एंजल्स डिवाइन सब आपको इस वीक में बहुत सपोर्ट करेंगे आपकी काम की शुरुआत में आपके मे बी रिलेशनशिप्स में एवरीवेयर आई सी हीलिंग एंड न्यू एनर्जीज अगर पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं हो रही आपकी लव लाइफ में तो ये वीक में पार्टनर से कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है एंड हीलिंग एनवायरनमेंट आपके आसपास रहेगा एंड अच्छी एनर्जी रहेंगी एक्साइटिंग एनर्जी रहेंगी तो जितना हो सके खुश रहो अपने आप को हैप्पी रखो चाहिए तो स्पेशल वॉकिंग पे चले जाओ एडवेंचर पर चले जाओ यू नो डू समथिंग जो आपके अंदर वापस से वो एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है यू you नो know, वो हैप्पीनेस वाली फीलिंग लेकर आ रहा है तो उस पर ज़रूर फोकस करो आपके लिए अच्छा माना जाएगा ठीक है कैंसर सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग एनर्जी फॉर यू मुझे बहुत अच्छी लगी रीडिंग सो so मुझे बताना इस वाली वाइब से एडवेंचरस एक्साइटिंग न्यू थिंग्स से न्यू आइडिया वाली वाइब्स एंड यू नो सीधा सीधा आया सरेंडर टू सक्सेस वाली वाइब है सो यू नो इट्स अ वेरी पावरफुल रीडिंग फॉर यू कैंसर्स इन दिस वीक सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना पे से नो कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो इन दी कमेंट बॉक्स बिलो कैंसर्स आई वुड लव टू नो सो यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग